मुद्दा के सह प्रायोजक हैं। जीवन के सफर में जी जान लगा देने वालों का फोन जीवी। धान के सफल खेती के लिए बायर नेटिवो, हमारा लक्ष्य लक्ष्य प्योर घी। एराबॉल लुब्रिकेंट, इंजन में भर दे दम। लेकिन इस देश के हर 10 जवान में से सेना में एक जवान हरियाणा का होता है। मोदी जी बात तो बड़ी बड़ी करते हैं, मगर मची आंसू बहाते हैं देश के सैनिकों के लिए। लेकिन इस देश के हर 10 जवान में से सेना में एक जवान हरियाणा का होता है। सच ही कहा है कहने वाले ने, मौत सामने हो तो खुदा याद आता है, और जब सीमा पर युद्ध हो, दुश्मन ललकार रहा हो, तो जवान याद आता है। वो जवान जिससे हमदर्दी राजनीतिक दलों के लिए संजीवनी हो जाती है, वो जवान जिसकी मौत पर सियासी मजमे लगते हैं, वो जवान जिसकी आहुति पर दिल्ली संग्राम राजधानी बन गई। पूर्व सैनिकों को वन रैंक वन पेंशन का दावा कर सत्तासीन हुई भारतीय जनता पार्टी के सीने पर सैनिक की मौत का कलंक लगा तो देश की राजधानी सियासी अखाड़े में तब्दील हो। वन रैंक वन पेंशन की मांग कर रहे पूर्व सैनिक रामकिशन ग्रेवाल की आत्महत्या पर सियासत दिल्ली की सड़कों पर हमदर्दी लूट रही थी। जवान का परिवार इंसाफ मांग रहा था। आखिर 2 साल पुराना वादा धोखा क्यों हो गया, ये सवाल पूर्व सैनिक का परिवार पूछ रहा है। दरअसल सोमवार को दिल्ली में पूर्व सैनिक रामकिशन रक्षा मंत्री से मिलने पहुंचे। मुलाकात से पहले ही रामकिशन ने जहर खा लिया। राम मनोहर लोहिया अस्पताल में इस पूर्व सैनिक ने दम तोड़ दिया। इधर जवान का परिवार धरने पर बैठा इंसाफ मांग रहा था तो उधर पुलिस ने पीड़ित परिवार को हिरासत में ले लिया। आरोप है कि पुलिस ने सैनिक के परिजनों से बदसलूकी भी की। जिन सैनिकों के सम्मान का दम भरते नेता थकते नहीं थे, उसी सैनिक के परिवार को देशभक्ति की सजा मिल रही थी। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी पूर्व सैनिक के परिजनों से मिलने पहुंचे, लेकिन पुलिस ने अस्पताल जाने से पहले ही रोक लिया। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। दिन भर सियासी ड्रामा चलता रहा। विपक्ष दिल्ली पुलिस पर बदसलूकी के आरोप लगा रहा था तो वहीं कांग्रेस नेताओं के मुताबिक दिल्ली पुलिस केंद्र के इशारों पर नाच रही थी। सबको जबरन पकड़ कर पुलिस की जिप्सी में धक्के मारकर डाला गया। क्या ऐसे किस प्रकार की तानाशाही से इस देश का शासन चलेगा? मोदी जी बात तो बड़ी बड़ी करते हैं, मगर मची आंसू बहाते हैं देश के सैनिकों के लिए और देश के सैनिकों के परिवारों को इस प्रकार से अपमानित करते हैं। पूर्व सैनिक को शहीद का दर्जा दिलाने की मांग कर रहे कांग्रेस नेताओं ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। रणदीप सुरजेवाला और सीएलपी लीडर किरण चौधरी को भी पुलिस ने परिजनों से मिलने नहीं जाने दिया, जिस पर कांग्रेस पूरी तरह से भड़की हुई है। विपक्ष का आरोप है कि बीजेपी सरकार ने वन रैंक वन पेंशन का जो वायदा किया था वो जवानों के साथ धोखा है। आज जो हुआ है, मोदी जी क्या बोलते हैं और क्या करते हैं, ये सारों के सामने जुमलेबाजी हर तरीके की, लेकिन एक शहीदों के साथ, फौजियों के साथ जब ये बात होती है तो बहुत जबरदस्त पीड़ा होती है। जिस प्रकार से सैनिकों के परिवारों को अपमानित किया जा रहा है मोदी जी और उनकी सरकार द्वारा, शायद पिछले 68 साल में किसी सरकार ने नहीं किया। उनको अपना सर शर्म से झुकाना चाहिए, सैनिकों से माफी मांगनी चाहिए, सूबेदार रामकिशन ग्रेवाल के परिवार से माफी मांगनी चाहिए और वन रैंक वन पेंशन को कोशारी कमेटी की रिकमेंडेशंस के मुताबिक लागू करना चाहिए। पूर्व सैनिक रामकिशन ग्रेवाल भिवानी का रहने वाला था। वन रैंक वन पेंशन न मिलने से हताश रामकिशन रक्षा मंत्री से मुलाकात करना चाहता था। मुलाकात से पहले ही रामकिशन ने निराश होकर जहर खा लिया। पूर्व सैनिक की आत्महत्या मामले पर रक्षा मंत्रालय ने जांच के आदेश दिए। माना जा रहा है कि बैंक खाते में गड़बड़ी की वजह से रामकिशन को पूरी पेंशन नहीं मिल पाई थी। 2013 में रेवाड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व सैनिकों को पहले वन रैंक वन पेंशन देने का ऐलान किया था। हरियाणा में पूर्व सैनिकों को वन रैंक वन पेंशन का भरोसा दिलाकर सत्ता हासिल की, लेकिन सत्तासीन होने के बाद सैनिकों को किया वादा पूरा करने में बीजेपी ने खुद को असमर्थ बताया। जुलाई 2014 में वन रैंक वन पेंशन स्कीम लागू कर दी गई,
बावजूद इसके पूर्व सैनिक का सुसाइड सरकार की नियत में खोट की तरफ इशारा करती है। वन रैंक वन पेंशन लागू होने के बाद सुसाइड किया, क्या ओआरओपी का सरकार का दावा झूठा था? कब तक सैनिकों पर सियासत होती रहेगी? ये हाल तब है जब खुद पीएम मोदी ने स्वर्ण जयंती समारोह में हरियाणा के सैनिकों के जज्बे को सलाम किया था। आंकड़े दर्शाते हैं कि हरियाणा देश का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां सेना में जवानों की सबसे बड़ी भागीदारी है। राज्य में 2,75,416 पूर्व सैनिक है, जबकि विधवाओं की संख्या 79,613 है। झज्जर, भिवानी, रेवाड़ी और गुड़गांव मेवात जिले ऐसे हैं जहां सबसे ज्यादा पूर्व सैनिक है। इन जिलों के पूर्व सैनिकों को वन रैंक वन पेंशन से सबसे ज्यादा उम्मीद थी। करीब 3,55,029 पूर्व सैनिक और उनकी विधवाएं वन रैंक वन पेंशन योजना के लाभ के दायरे में है। सितंबर 2013 में केंद्र ने वन रैंक वन पेंशन को मंजूर किया था। वन रैंक वन पेंशन यानी अलग अलग समय पर रिटायर हुए एक ही रैंक के दो फौजियों को समान पेंशन देना। देश में 25 लाख से ज्यादा रिटायर्ड सैन्य कर्मी, जबकि हरियाणा सरकार ने जिला सैनिक बोर्ड के माध्यम से पूर्व सैनिकों का ब्यौरा एकत्र करके केंद्र सरकार को भेज दिया है, जिस पर अब तक एक राय नहीं बन पाई। सरकार के रवैये से खफा पूर्व सैनिकों ने रामकिशन ग्रेवाल के लिए शहीद का दर्जा मांगा है, अन्यथा आंदोलन की चेतावनी दी है। सवाल ये भी है कि क्यों पूर्व सैनिकों को वन रैंक वन पेंशन अब तक नहीं मिल पाई? क्या पूर्व सैनिक की मौत का सियासी फायदा उठाया जा रहा है? क्या इसके बाद बीजेपी को पूर्व सैनिकों का ख्याल आएगा? सवाल सत्ता का हो तो जवानों का हक, जवानों का बलिदान और उनके प्राणों की आहुति में सर्वोपरि हो जाती है। लेकिन जिस वक्त देश की सीमा पर हर दिन जवान दुश्मन की गोली का शिकार हो रहा हो, शहीदों के परिवार सरेआम लुट रहे हो, उस देश में एक फौजी की ऐसी हार शर्मसार करती है सत्ता को भी और देश को भी। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। कैसा काम कर रहे हैं? इनका बेटा मरा है, पिताजी मरे, ये उनके बाप हैं, ये उनके भाई हैं, और आप इनको अरेस्ट कर रहे हो? धक्का जबरदस्ती। कैसा काम है? आपका नाम? मेरा नाम इंस्पेक्टर ललित। आपको क्या लगता है कि हिंदुस्तान के शहीद के परिवार को अरेस्ट किया जाना चाहिए? खुले के आदमी है और अपन मैं अपने वसूलों का आदमी हूँ। मेरे जवानों के लिए, मेरे देश के लिए, मेरी मातृभूमि के लिए मैं वो अपने आप के जीवन में छोड़ कर दिया। हम लोग नहीं बाकी खड़े थे, ठीक है। और रही बात ये आगे के लिए कोई तो होगा, हमारे एस पी हो, डी सी हो, उसके साथ में अन्याय होगा ना, तो अगले के लिए आप एक सैनिक की मौत और उसके बाद हाई वोल्टेज सियासी ड्रामा दिल्ली में देखने को मिला। दिल्ली की सड़कों पर जिस तरह से संग्राम देखने को मिला, जाहिर तौर पर सवाल खड़े होते हैं कि आखिर इस सैनिक की मौत का जिम्मेदार कौन है और सियासत में बैठे ये सियासतदान अपनी सियासत को चमकाने के लिए किस हद तक जाएंगे। हरियाणा की बात कर रहे हैं नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की, वो बात भी आपको सुनाई जो अभी हाल ही में उन्होंने, कुछ घंटे भी नहीं गुजरे हैं, जो गुड़गांव में कही थी, हरियाणा में कही थी कि हरियाणा का हर 10 में से एक जवान अगर हम सीमा पर देखते हैं तो वो हरियाणा का है, और उसके बावजूद अगर एक जवान अपनी खुदकुशी करने के लिए मजबूर हो जाता है तो यकीनन सोचने के लिए हम मजबूर होते हैं कि सियासत में बैठे ये लोग कितने गंभीर हैं इस मुद्दे पर। मेरे साथ कुछ खास मेहमान हैं, प्रोफेसर अनंतराम हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, अनु चौधरी हैं बीजेपी से, दलबीर धनखड़ इनेलो, और रोहित चौधरी हैं कांग्रेस से और खुद आर्मी बैकग्राउंड से। आपका स्वागत है। सबसे पहले जिस तरह से आज जो संग्राम देखने को मिला, रोहित आपसे इसलिए शुरुआत कर रही हूं क्योंकि कांग्रेस जिस तरह से आज सड़कों पर उतर आई, बीजेपी की तरफ से इस तरह के ट्वीट भी आए और कहा भी जाने लगा कि राहुल गांधी तो शायद जो है अपनी राजनीति चमकाने के लिए ऐसे मुद्दों पर पहुंच जाते हैं और फिर मरे हुए लोगों पर अपनी सियासत चमकाते हैं, लेकिन जो वहां देखने को मिला उस पर आपका क्या कहना है? नवजोत, आज हमारे देश के लिए ये काला दिन है कि जो जो सैनिक हमारे बॉर्डर के ऊपर शहीद होते हैं और आज उनको
इस स्थिति में इस सरकार ने यहां तक लाकर छोड़ दिया है कि 507 दिन हो गए हैं वो जमतर वंतर पर अपने हक के लिए वन रैंक वन पेंशन के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, और आज ऐसी स्थिति में हमारे देश ने, हमारे देश की सरकार ने फौज सैनिकों को, पूर्व सैनिकों को लाके छोड़ दिया है, जहां पर एक पूर्व सैनिक ने अपनी जान जो है वो उसको सुसाइड किया। मैं उसको सुसाइड नहीं कहता, वो एक मुद्दे के लिए लड़ रहा था और उस मुद्दे के लिए वो डिफेंस मिनिस्टर से मिलना चाह रहा था, और उसका रेजोल्यूशन मेरे हाथ में, मेरे पास यहां पर है। वो मिलने चाहते थे, डिफेंस मिनिस्टर ने उनको टाइम नहीं दिया, और उसके बाद उन्होंने रोष में आकर ये फैसला लिया, और उन्होंने अपने फोन पे दिखाया उनकी लास्ट अपने बेटे के साथ जो बातचीत हो रही है, तो वो बता रहे हैं मैं अपने देश के लिए नौछावर हो रहा हूँ, अपने सैनिकों के लिए नौछावर हो रहा हूँ, जिनकी जिनकी इज्जत मान सम्मान उस सब चीज के लिए तो इस सरकार ने खिलवाड़ किया है। रोहित, वो एक अलग बात है। वो जो उनका ऑडियो, एक मिनट सुनिए, वो जो इनका ऑडियो क्लिप सामने आया, जाहिर तौर पर वो अपनी लड़ाई लड़ रहे थे, ऐसे लगा, क्योंकि उनके बेटे ने भी ये कहा कि आप हिम्मत हार गए हैं। जाहिर तौर पर वो सैनिक शायद उस मेंटल ट्रॉमा से गुजर रहा था, वो हार गए, वो उनकी लड़ाई, वो बात सही है, लेकिन जो सियासी ड्रामा आज हमें सियासी ड्रामा बात की बात है, सियासी ड्रामा नहीं है। एक सैनिक की मौत होती है, उसके लिए हर देशवासी को खड़ा होना चाहिए, हर पार्टी को खड़ा होना चाहिए, हर चाहे वो रीजनल पार्टी है, चाहे वो नेशनल पार्टी है, चाहे वो सत्तारूढ़ पार्टी है, हर पार्टी को खड़ा होना चाहिए। मुझे आप ये, मैं सवाल करना चाहता हूँ यहाँ इस चैनल के माध्यम से कि हमारे सैनिक आज बॉर्डर पे मर रहे हैं, हमारे सैनिक ने यहाँ पर अपनी कुर्बानी दी है, उसके लिए मेरे सरकार के पास क्या जवाब है? वन रैंक वन पेंशन, जिसके लिए 13 अगस्त 1913 को जब रिवाड़ी रैली से मोदी साहब ने ऐलान किया था कि 90 दिन के अंदर अंदर मैं इसको लागू करूंगा, तो ऐसी वन रैंक वन पेंशन जिसको 5 सितंबर 2015 को इन्होंने अनाउंस किया, बिहार के इलेक्शन में जाने से पहले इन्होंने अनाउंस किया। क्यों? क्योंकि इनको डर था कि अगर हम बिहार के इलेक्शन के अंदर ऐसे जाएंगे तो हमें कुछ नहीं हासिल होगा। सियासी ड्रामा था। प्रोफेसर आनंद राम, वन रैंक वन पेंशन का मुद्दा आज नया नहीं है, काफी समय से ये वन रैंक वन पेंशन की जो मांग है वो चल रही है। कांग्रेस भी सत्ता में रही है, आज अनिल विज ट्वीट कर रहे हैं कि कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में ये क्यों नहीं कर दिया। आज जो कुछ हमें दिल्ली की सड़कों पर जिस तरह से एक मौत पर ये जो संग्राम देखने को मिला, यकीनन बहुत से सवाल खड़े करता है। नहीं, बहुत ही संवेदन, पहली बात में बहुत ही संवेदनशील मसला है, बिल्कुल इतना, और इसको हमें लाइट नहीं लेना चाहिए। लेकिन आपने जो वन रैंक वन पेंशन की बात की, मैं थोड़ा सा उसका इतिहास एक लाइन में, जाते जाते जब मैं कांग्रेस की सरकार जा रही थी, यूपी की सरकार मुझे कहना चाहिए क्योंकि उसमें भी दूसरी पार्टियां थी, उन्होंने 500 करोड़ इसके लिए एलोकेशन कर दी, सिर्फ 500 करोड़ जो कि उस समय के हिसाब से भी 1770 करोड़ बनता था, तो वो चली गई। तो वो टोकन मनी का उसको जब उनसे बात की गई, कहना ये तो टोकन मनी है, बाकी कर। अब आई बीजेपी सरकार, बीजेपी का बड़े संघर्ष, आपको पता, जंतर मंतर पर लेफ्टिनेंट जनरल लेवल के लोग बैठे रहे, दूसरे बैठे रहे, तो इन्होंने इसको कहते हैं हमने एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन सीती है अब तीसरी में श्रेणी और लागू भी कर दिया, इनका दावा है ये, वीके सिंह का आज ऑन एयर भी कहा, वीके सिंह ने, अच्छा जो पहले जनरल है, लेकिन उसमें इतनी असंगतियां हैं, मैं कहूँगा डिस्क्रिपेंसीज हैं, उनको असंगतियां शब्द कहना अच्छा होगा, तो वो सैनिकों को मान्य नहीं है, मैं एक निष्पक्ष बात, वो मान्य नहीं है। उसी बात को लेकर अब इस पे आता हूँ, उसी बात को ये जो सूबेदार साहब हैं, ग्रेवाल साहब हैं, बामला गांव के, बिहानी के, तो ये बैठे थे कि भाई हमारे साथ अन्याय हुआ है, हम एक्सेप्टेबल नहीं है, और उनकी निजी पेंशन भी, जैसे आपने कहा वो बैंक खाता जब उन्होंने देखा, वो वाकई में जो मिलनी भी चाहिए थी इनके हिसाब से भी वो भी नहीं। लेकिन अनंत राम जी, एक जान चली गई। हाँ, नहीं, अब मैं वहीं आ रहा हूँ। अब जब ये चली गई, ये तो सारा ही बहुत दुखदाई है। मैंने पहले कहा संवेदनशील मामला है, इस पर इतनी राजनीति और इतना संग्राम नहीं होना चाहिए था, और सरकार को ये चाहिए था कि इनको इतनी जल्दी अरेस्ट करने की क्या जल्दी पड़ी थी। अब वो अगर इतने अरेस्ट करके और उनको रख के छोड़, इतना बड़ा ड्रामा नहीं होता। नहीं, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा, बीजेपी की तरफ से हमारे साथ यहाँ अनु चौधरी है, मुझे ये जरा जस्टिफिकेशन बता दें। अरविंद केजरीवाल को अब अरेस्ट कर लिया गया है,
सीएम दिल्ली अरेस्ट हो गए, उप मुख्य पूर्व दिल्ली के मुख्यमंत्री हो गए, सीएम मनीष सिसोदिया अरेस्ट हो गए, राहुल गांधी अरेस्ट हो गए उनके साथ, और कई कांग्रेसी नेता अरेस्ट हो गए, चाहे वो किरण चौधरी है चाहे सुरजेवाला है, सीआरपीएफ को आपने वहां बुलाया। नहीं मुद्दा मैं एक लाइन में कहूंगा, दूसरे शब्दों में विपक्ष को सत्तारूढ़ दल ने खुद एक मुद्दा दे दिया। बताइए अनु जी, ये डर की बात नहीं है। सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से कुछ कहना चाहूंगी भारतवासियों को कि देखिए यहाँ पर इस वक्त मैं सिर्फ एक बीजेपी नेता या प्रवक्ता ही नहीं, मैं स्वर्गीय कैप्टन जेएस चौधरी की विधवा बैठी हूँ। मेरे अपने फादर इन लॉ रिटायर्ड ब्रिगेडियर साहब हैं, मैं एक फौजी आर्मी ऑफिसर की बेटी भी हूँ। तो जो घटना घटित हुई इसके दिल की गहराइयों से जो दर्द मैं महसूस कर सकती हूँ वो मैं जानती हूँ। और ये जो घटना घटी है ये बहुत ही संवेदनशील घटना है। मैं बिल्कुल, मेरा निवेदन है मेरी सरकार की तरफ से पूरे भारतवर्ष को कि कोई भी दर्द आ जाए, कितनी भी प्रभु परीक्षा ले या कोई भी ऐसा आप भड़काऊ चीज हो जाए या कोई आपको मोटिवेशन करने की कोशिश करे इस तरह की, आप कैरीड अवे होकर प्लीज अपनी जान पर नहीं खेलेंगे, क्योंकि ये किसी भी समस्या का हल नहीं है। और एक फौजी को तो ये बिल्कुल भी नहीं सूट करता है। फौजी का काम होता है युद्ध करना, जंग करना। अनु जी, फौजियों का क्या काम है ये आप भी आर्मी बैकग्राउंड से ही आप भी जानती हैं, बिल्कुल, और सब जानते हैं। अब जरा आपकी सरकार ने जो किया उस पर थोड़ी सी बिल्कुल, चर्चा बिल्कुल, हो जी, मेरी सरकार ने, मेरी सरकार ने लिए जाने की ऐसी कौन सी मजबूरियां। अगर आप सैनिकों की बात करते हैं तो जितने भी मेरे शहीद सैनिक भाई हैं या मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग हैं, मेरी सरकार ने उनको जो मान सम्मान दिया है वो आज तक इन सरकारों ने नहीं दिया। प्लीज अनु जी, प्लीज कम टू द पॉइंट जी। आई वॉन्ट टू नो कि आज इतना जो सियासी ड्रामा सड़कों पर देखने को मिला, जिसकी वजह से विपक्ष को आप लोगों ने हिरासत में लिया, ऐसी क्या मजबूरी आ गई थी कि शहीद जो सैनिक का परिवार था जो वहां बैठा था उसको भी उठाकर थाने लेकर जाया गया, और उसने फिर आरोप लगाया है कि पुलिस ने टॉर्चर किया। मुझे इसकी वजह बताएंगे आप, आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई थी? कोई मजबूरी नहीं थी, जनता की सुरक्षा थी वहां पर, उन्होंने जो उनका व्यवहार था वो सुरक्षा, कौन सी सुरक्षा अस्पताल में आपने अस्पताल में इमरजेंसी डिपार्टमेंट होता है, इमरजेंसी डिपार्टमेंट में मरीज होते हैं, मेरे भारत के मरीज वहाँ पर थे, वहाँ पर हार्ट पेशेंट है, वहाँ पर मानसिक प्रॉब्लम वाले पेशेंट है, वहाँ पर उन्होंने जो हुड़दंग मचाई, वहाँ पर जो उनका व्यवहार था उससे मेरे मरीजों को भी मगर मच के आंसू। वो तस्वीरें दोबारा दिखाएंगे। आज तक किसी भी शहीद के घर पर नहीं गए, ये पहली बार मतलब ये था कि आप उन्हें आरएमएल के बाहर से खींच कर ले जाएंगे। क्योंकि वो डिस्टर्ब कर रहे थे, झूठी बातें बोलने चैनल पे आकर झूठी बातें ना बोलिए, आप झूठ बोल रहे हैं, झूठ बयानी कर रहे हैं। जल्दी जल्दी से, हाँ जी, आप राजनीतिकरण कर रहे हैं, राजनीतिकरण नहीं, आप राजनीतिकरण कर रहे हैं, आप अपना पार्ट रखिए, उसके बाद मैं आप मरीजों को डिस्टर्ब कर रहे थे वहाँ पर अस्पताल में जाकर, मरीजों को थोड़ी डिस्टर्ब होने देंगे सैनिकों ने पिछले चार दशक से, आप मरीजों को डिस्टर्ब होने नहीं देंगे, उसके लिए आपने सब कुछ डिस्टर्ब कर दिया, आपने माहौल बना दिया। आप दिल्ली के सीएम, दिल्ली सीएम सभी, और आपके परिवार के साथ कोई मारपिटाई नहीं है, कोई मारपिटाई नहीं है। सर्विस मैन को जो मेरी सरकार ने मान सम्मान दिया है वो आज तक किसी ने नहीं दिया। हाँ जी अनु, हाँ जी, पिछले तकरीबन चार दशक से भूतपूर्व सैनिक एक रैंक एक पेंशन की मांग करते आ रहे थे, ये सच्चाई है। भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, दोनों राष्ट्रीय दलों ने, और कांग्रेस ने तो सबसे ज्यादा राज इस देश में किया, इसमें कोई शक नहीं है, प्रदेश में किया, देश में भी किया, इन्होंने भी मांग को मान के 500 करोड़ रुपया बजट में प्रावधान कर दिया, जो कि ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं आई थी, मैं नरेंद्र मोदी जी को याद करूंगा, जब पहली रैली जैसे प्रधानमंत्री का पद घोषित होया था, आपको ध्यान होगा, रेवाड़ी में रैली की थी, और भूतपूर्व सैनिकों के लिए रैली की थी जिसमें वीके सिंह भी शामिल हुए थे, इंद्रजीत जी शामिल होते उस रैली में, और उन्होंने एक ही बात कही थी, भाइयों ये कांग्रेस पार्टी आपको बार बार ठगती रही है, ये शब्द यूज किए थे उन्होंने, बार बार ठगती रही है। सुनने का मौका रखो, मैं जैसे आऊंगा 90 दिन के अंदर अंदर एक समान एक रैंक एक पेंशन कर दूंगा। और मैं तो भारतीय जनता पार्टी की इस तरह से दो मैंने देखा जो वर्करों की तरह काम किया, भूतपूर्व सैनिकों ने मान्य था,
अब हमें आते ही एक रैंक एक पेंशन मिलेगा। आज जो हुआ आज जो वजह है से आज हमने किया घोषित इमरजेंसी मैं इसको कहूंगा, घोषित नहीं है घोषित इमरजेंसी कहूंगा। ये जो होया है पॉलिटिकल पार्टियां कोई वहां दंगे करने नहीं गई थी, एक शहादत दी थी एक हमारे भूतपूर्व सैनिक ने, उनके इतने सालों में तो नहीं दी, इतने सालों से तो नहीं दी, अचानक अचानक आपको आ गया। मिलेगा बहन जी आपको मौका, तो अगर आ भी गया तो क्या आप एनआरसी कर देंगे? अगर आ गया तो आप एनआरसी कर देंगे? किसी को बहन जी गाली नहीं बक रहा, मैं तो बात बता रहा हूँ, बात रखने का मेरे को मौका दिया। आज जिस तरह का घटनाक्रम हुआ है देखने लायक होगा। भारतीय जनता पार्टी को चिंता क्या हो रही है? मैं तो कह रहा हूँ मान लिया मुख्यमंत्री दिल्ली के आ जाते हैं उनको अरेस्ट कर लोगे, विपक्ष के हम जैसे पहुंच जाते वहां अरेस्ट करोगे, वहां दंगा करेंगे तो अरेस्ट करेंगे। दंगा किसी ने किया आज? दंगा किसी ने नहीं किया, घोषित है। एक मिनट दलवीर जी, एक सेकंड, अनु चौधरी डू यू नो, एक मिनट डू यू नो व्हाट स्टेटमेंट यू हैव मेड ऑन एयर? यू सेड, एक मिनट, नो यू डोंट नो, लिसन अनु चौधरी, राहुल गांधी ने स्टेटमेंट दिया, एक मिनट, एक मिनट, स्टेटमेंट अनु चौधरी, लिसन अनु चौधरी, डू यू नो व्हाट, आपको पता है आपने अपने क्या कहा? आपने कहा दंगा, किसने दंगा किया? नो नो, टेल मी किसने दंगा किया? अनु चौधरी, टेल मी किसने दंगा किया? अनु चौधरी, मेरा तात्पर्य है कि भड़का रहे हैं, भड़काना दंगा ही होता है। अगर आप परिवार को भड़का रहे हैं, परिवार को नेगेटिव साइकोलॉजिकल बिल्कुल जानकारी है। 507 दिन से हम दंगा मंत्र पर, दंगा क्या है? दंगा शब्द मैं बताती हूँ, मैं बताती हूँ आपको, दंगा शब्द आप अस्पताल में जबरदस्ती इमरजेंसी वार्ड में घुस रहे हैं, जो कि बिल्कुल कानूनी गलत है। बिल्कुल आप नहीं, वहाँ पर आप जोर जोर से बोलेंगे और आप शहीदों के परिवार को ये कहेंगे कि आप ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, अरे क्या बात कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल लाइन से आती है, बिल्कुल आती हूँ, रेस्पेक्ट करती हूँ। लाइन लगा रहे हो आप एक सर्विसमैन की? एक सर्विसमैन लाइन नहीं लगा रही, मैं राहुल गांधी की बात कर रही हूँ। आप फिर से भड़का रहे हैं। मैं सैनिकों के लिए कुछ नहीं कह रही हूँ, मैं राहुल गांधी के लिए कह रही हूँ। बिल्कुल खड़ा नहीं है संविधान है, बिल्कुल बिल्कुल नहीं, आप गलत बोल रहे हैं। आपने तो अपनी पार्टी से रटे हुए शब्दों का प्रयोग मेरे ऊपर कर रहे हैं, आप अपनी बात मेरे ऊपर दे रहे हैं। मैं जवाब देती हूँ सैनिकों की, मैं इज्जत करती हूँ, सैनिकों की मैं बात, आप अपने शब्द मेरे मुंह में डाल रहे हैं, आप अपने शब्द मेरे मुंह में डाल रहे हैं। मैं राहुल गांधी की बात कर रही हूँ, मैं किरण चौधरी जी की बात कर रही हूँ, मैं मनोज के आंसू बहाने वालों की बात कर रही हूँ। आप झूठ बोल रहे हैं, भूतपूर्व सैनिकों को मैं प्रणाम करती हूँ, भूतपूर्व सैनिकों को मैं प्रणाम करती हूँ, मैं भूतपूर्व सैनिकों के परिवार से हूँ, लेकिन मैं राहुल गांधी की बात कर रही हूँ। आप मेरे मुंह में शब्द ना डालें और गैर सैनिकों के लिए बिल्कुल नहीं बोले हूँ। मुझे ये बताइए वहां दंगा कौन भड़का रहा था? टू दी पॉइंट पे बताइएगा, दंगा कौन भड़का रहा था? अस्पताल में जब वो जबरदस्ती एंटर कर रहे थे इमरजेंसी वार्ड में, और उनके परिवारों को बोल रहे थे कि आपके परिवार, नहीं मैंने टीवी में देखा, मैंने टीवी में देखा, रोहित एक सेकंड, मैंने टीवी में देखा, मैं वहां नहीं खड़ी थी, मैंने टीवी में। एक मिनट अनिल चौधरी, मुझे ये बताइए टीवी पर किसने ये फ्लैश किया कि राजीव गांधी आपको, सॉरी राहुल गांधी आपको, एक मिनट, और वहां दंगा भड़का रहे थे? मुझे ये बताइए, आप हमने कहां दिखाया कि वो दंगा भड़का रहे थे? आपने ये बोला कि दंगा भड़का रहे थे, जबरदस्ती कही आपने, बोला आपने, बोला दंगा भड़काना, जबरदस्ती दंगा भड़काना, अगर आपको कानून रोक रहा है, आपने बोला दंगा भड़का रहे थे, आपने आप मेरे
शब्दों में से तात्पर्य यहाँ पे दंगा भड़काने की बात कही है। देखिए आपने कहा दंगा भड़काने के ऊपर खड़े हुए इंसान को कोई अरेस्ट नहीं, माफी मांगनी पड़ेगी, माफी मांगिए यहाँ से, यहीं से राहुल गांधी से कैसे माफी मांगी, आपने देशवासियों से मांगी है, देशवासियों को मैंने बोला ही नहीं, नहीं मैंने अपने देशवासियों को बोला, मुझे आवाज बंद करनी पड़ेगी, मेरी बात अभी पूरी हुई थी, बड़ा पेशेंस से सुनो प्लीज, बिल्कुल आप प्लीज बड़ा बढ़ा दें, एक सेकंड आ रही हूँ, अनंत राम जी ये बड़े एलिगेशन है कि दंगा भड़का रहे थे, मैं कह रहा हूँ, मैंने चैनल पे बोल रहा हूँ, मैंने उस टाइम भी ऑब्जेक्ट किया था जब मैडम बोल रही थी कि इससे वेरी सीरियस एलिगेशन, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, नहीं। आज नहीं किसी क्लिपिंग में आपने देखा कि दंगा भड़का रहे हैं, भाई किसी भी किसी क्लिपिंग में दिखा दो, आज सारे दिन चैनल चलाइए, चाहे वो किरण चौधरी हो, सुनो चाहे वो सुरजेवाला हो और चाहे राहुल गांधी हो और चाहे ये अपने तो क्या सैनिक के परिवार वाले भी दंगा भड़का रहे पिटाई की उसके लड़के के साथ मार पिटाई की, मुझे सिर्फ इस बात की जस्टिफिकेशन दे दो कि सैनिक के परिवार वालों को उठा के हिरासत में क्यों लिया गया पुलिस थाने में, और उसके बाद उसने लड़के ने उनके बेटे ने ये इल्जाम लगाया कि उनके साथ गलत व्यवहार हुआ, उसका जस्टिफिकेशन क्या है मुझे ये बताओ जल्दी से, एक लाइन में मार का ये बात है कि कोई गलत व्यवहार नहीं, सब कुछ कानूनी व्यवस्था, और ये दिल्ली की पुलिस जो है, दिल्ली की पुलिस ने सारा जिम्मेवारी ले रही है, दिल्ली की पुलिस अपने हिसाब से किसके अंदर है ये सेंटर की है, सेंटर से है, गवर्नमेंट देख रही है, एक्सक्यूज मी अनु चौधरी देख क्या लेगी, यू आर फ्रॉम बीजेपी, गिव अस एन आंसर, यू आर फ्रॉम बीजेपी, गिव अस एन आंसर, यू आर नॉट गिविंग, यू आर सेइंग दिल्ली की पुलिस तो दिल्ली की पुलिस ये अपना कार्य कर रही है, कौन सा कार्य कर रही है मुझे यही तो जानना है, कौन सा कार्य कर रही है, मेरा आज बात वही आ गई, एक घोषित इमरजेंसी कांग्रेस ने लगाई थी, आज है घोषित इमरजेंसी, मैं क्यों कह रहा हूँ घोषित इमरजेंसी, कोई भी आंदोलन को कुचलने का काम भारतीय जनता पार्टी करी है, एक मैं नहीं कहूंगा, मैं कितने गिनवाऊं आपको, किसानों ने आता माता है कि आपने कमजोर और पता नहीं क्या क्या कायर, कायर का कायर तक बोले आपके कृषि मंत्री, नंबर एक, नंबर दो युवाओं का मर्डर किया ही हरियाणा में, 30 से ज्यादा युवा मर्डर किए थे, उनको पता नहीं क्या क्या किया, अरेस्ट कर लिए बाकी बच्चे, आज हमारे सैनिक आज रोज डेड बॉडी आ रही है बॉर्डर से, क्या सरकार चाहती है, और इधर से भूतपूर्व सैनिकों के वोट आपने पाने के लिए, सिर्फ और सिर्फ पाने के लिए, आपको ध्यान होगा 3.25 लाख के आसपास एक्स सर्विस मैनों ने ऐसे काम किया था नरेंद्र मोदी जी के लिए, जैसे भारतीय जनता पार्टी के वर्कर ना हूं, उन्होंने कांग्रेस को उखाड़ के फेंक दे इस देश से, पूरे उनका बहुत बड़ा हाथ था कि सरकार को जाने में, आज राजीव क्या आप हैं हमारे साथ, एक सेकंड दलबीर जी, बिल्कुल राजीव जी, राजीव आज जो कुछ दिल्ली की सड़कों पर देखने को मिला और खबरें आई कि अभी अरविंद केजरीवाल को भी हिरासत में लिया गया है, इस पूरे मसले पर आपका क्या कहना है? पहली बात तो ये है कि जो एक भूतपूर्व सैनिक को करना पड़ा जी, ये बहुत बड़े संवाद का विषय है, पूरे देश को विचार करना चाहिए कि आज इस हालत से सरकार ने सैनिकों को लाठी खड़ा कर दिया है, वादे करके तो खैर चलिए, तो वादे करके कभी पूरे करते नहीं है, पर जो सैनिक के परिवार से गुजरी उसके बाद उसकी बेइज्जती, उसके परिवार के संग बदसलूकी, और जब मुख्यमंत्री उनसे मिलना चाहते हैं, उप मुख्यमंत्री उनसे मिलना चाहते हैं, चुने हुए लोग हैं ये जब उस परिवार से मिलना चाहते हैं तो इन्हें हिरासत में लिया जाता है, ये दिल्ली पुलिस जिसके इशारे पे काम करती है ये सबको मालूम है, ये अब राजनीति का हिस्सा बन चुकी है, ये कोई सुरक्षा का, आम आदमी की सुरक्षा का काम नहीं कर रही, इसका ध्यान ही सिर्फ इस पे लगा हुआ है किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को चमकाएं, ये तो मेरी समझ में तो यही आता है, पर ये बेहद अफसोस की बात है क्योंकि एक महत्वपूर्ण वन रैंक वन पेंशन का जो कहीं खोता हुआ दिखाई पड़ रहा है इसमें, इसको दूसरी तरफ ले जाया जा रहा है, और बात उसी पे होनी चाहिए आज भी कि एक सैनिक को, इस भूतपूर्व सैनिक को ये कदम क्यों उठाना पड़ा। राजीव मेरे साथ यहाँ बीजेपी की प्रवक्ता बैठी है, उनका कहना है कि जिन लोगों को हिरासत में लिया गया वो वहाँ दंगा भड़काने की कोशिश कर रहे थे। देखिए अगर कहूँ तो भारतीय जनता पार्टी भारत के इतिहास में सबसे बड़ी दंगाई पार्टी है, तो इनके मुख से इस तरह की बात शोभा नहीं देती, ये दंगों के लिए ये मशहूर है, ये लोग इन्हें दंगों से परहेज नहीं है, ये इस तरह की भाषा यूज कर सकते हैं, हमें कोई खास इस चीज को लेके वो सरप्राइज नहीं है, हमें कोई
वो नहीं हुआ कि उन्होंने इस तरह की बात कही है, पर ये तो ये आम करते रहे। पर आज जो हुआ है दिल्ली में वो मैं कहूंगा बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण रहा, क्योंकि वो सैनिक परिवार, मैं मतलब मैं जानता हूँ, खुद मैं एक सैनिक बैकग्राउंड से हूँ, मैं इतना जानता हूँ कि इस चीज को बड़ी संजीदगी से एजुकेशन को ये लोग चला रहे थे, और इस भूतपूर्व सैनिक ने अगर ये कदम उठाया तो जरूर उसके पीछे बड़े गंभीर कारण रहे होंगे, और बहुत बड़ा कारण जरूर है उसमें हमारी केंद्र सरकार के झूठे वादे, जो उन्होंने झूठे वादे करके। राजीव, कांग्रेस भी यहाँ मेरे साथ है, विपक्ष के दूसरे लोग भी हैं, आप भी जुड़े हुए, बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि मौत पर सियासत कर रही है विपक्ष, वो भले आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो या कोई और, ये मौत पर सियासत कर रही। उसमें तो स्पष्ट हो जाता है सियासत सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी कर रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सबसे पहले तो उसके परिवार को पुलिस स्टेशन में लॉकअप में रखती है। क्या आप सोचिए सियासत कौन कर रहा है कि दिल्ली पुलिस एकदम से उस परिवार को हिरासत में ले लेती है। अच्छा मुझे ये बताइए, आखिर बीजेपी को डर किस बात का सता रहा था कि जो इस तरह की सिचुएशन क्रिएट हो गई कि जिसमें सीएम, डिप्टी सीएम, कांग्रेस के सभी लोग और वो परिवार के लोगों को हिरासत में लेने की जरूरत पड़ गई, ऐसा कौन सा डर है? ये डर आज से नहीं है, नया डर नहीं है इनका, ये इनकी नाकामी और जो जिस तरह से इन्होंने ये 2 साल गुजारे हैं और देश के संग धोखा किया है, एक से एक जो वादे इन्होंने किए उस पर पूरी तरह इन्होंने कोई काम नहीं किए। और ये वन रैंक वन पेंशन भी वो मसला है जिसको लेके, मतलब जो एक बड़ा मसला था जिसको लेके। राजीव, मैं आपके पास आती हूँ, ऐसा कौन सा डर सता रहा था? आप पूरा दिन वहाँ थे बाकी कांग्रेस नेताओं के साथ, क्या कहना है? देखिए ऐसा है, जब भी कभी किसी सैनिक की शहादत होती है, चाहे वो इंटरनल सिक्योरिटी के लिए हो या बॉर्डर के ऊपर हो, तो जब उसका पार्थिव शरीर आता है तो सब लोग वहां पर आते हैं, उसको श्रद्धांजलि देने के लिए आते हैं। तो और किसी की मौत होने के ऊपर जाना जो है, ये हमारे संस्कारों का संस्कृति का देन है। और जहां तक बात है हम लोग सारे के सारे एक्स सर्विसमैन परिवार, हम एक साथ एकजुट था, और हम उस, क्योंकि वो परिवार अकेला ना रह जाए, हम लोग साथ में थे। वहां पर उनको ये सबसे बड़ा डर सता रहा था कि ये सब लोग जो आ रहे हैं यहाँ पर अपनी सांत्वना देने के लिए, परिवार के साथ अपनी खड़े रहने के लिए जो आ रहे हैं, उनको ऐसा लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारी जो आने वाले चुनाव हैं उनके अंदर कहीं हमारी जमीन खिसकती हुई दिखाई मतलब ना दे। तो सियासी मुद्दा ही है ना, वो बीजेपी तो करे अपनी, या अपनी, और अपनी जमीन खिसकती हुई उनको दिखाई दे रही थी। एक जगह पर वो सर्जिकल स्ट्राइक की बात करते हैं, एक जगह पर सैनिकों को हक देने की बात करते हैं, और दूसरी जगह पर यहाँ पर सैनिक एक वो सुसाइड करता है, शहादत देता है। और मैं आपको एक चीज और बड़ी अंडरलाइनिंग फैक्टर बताना चाहता हूँ कि हमारे देश में ये पहली बार ऐसा हुआ है कि एक सैनिक ने वन रैंक वन पेंशन या एक मुद्दे के लिए यहाँ पर शहादत दी है। okay. किसानों के हुए थे और एक और चीज, एक और जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि सैनिक एक ऐसी चीज है जो अपनी जान न्योछावर करने के लिए हरदम तैयार रहता है। अगर ये एक ट्रेंड बनता है तो बहुत नुकसान होगा देश के लिए। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, मैं फिर कह रहा हूँ, कांग्रेस ने इस देश में सबसे लंबा राज किया है, ये आज का मुद्दा नहीं था। आज का जो माहौल बना उसके लिए इतना क्या डर बन गया था? मुझे ये जानना है, जो आपने डर की बातें करी, डर भारतीय जनता पार्टी को पता नहीं क्यों सता रहे। इतनी बात हो गई थी, इसको सुलझाया जा सकता था। जब इस तरह की समझो, मैं तो मर्डर का केस इस पर चलना चाहिए भारतीय जनता पार्टी, ऐसी क्या मजबूरी, ऐसा क्या डर हो गया था कि ऐसा माहौल बना दिया कि सबको हिरासत में डाले? एक सेकंड, जल्दी से, मैं फिर कह रहा हूँ, पहली बार नरेंद्र मोदी जी ने नॉन पॉलिटिकल लोगों को, मैं तो कहूंगा जैसे भूतपूर्व सैनिक और गेस्ट टीचर, इनको यूज किया गया था वोटर के, नहीं सपोर्टर के रूप में, तो इसलिए किया गया था। आप देखिए कांग्रेस को चलता कर दिया देश से इसमें, क्योंकि मोदी जी ने इस तरह से अपने आप को बेचा, इस तरह अपने आप को प्रस्तुत किया, वोटों को यूज किया इन लोगों को। आज सबसे बड़ी दुखी बात ये है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जब पहली रैली में भूतपूर्व सैनिकों के लिए कही गई थी पहली रैली, ओके दलबीर जी, वही भूतपूर्व सैनिक आज क्या मजबूरी पड़ गई जो आत्महत्या के निवेश हो गए।
आज जो माहौल बना इसकी क्या मजबूरी थी बीजेपी की? एक लाइन में जवाब दे रहा हूँ, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया कि ऐसी क्या बात थी, क्या डर सता रहा था कि उनको फटाफट बड़े नेताओं को अंदर डालना शुरू कर दिया। तो एक बात थी कि उनको पता लग गया कि देश स्टैंड्स एक्सपोज्ड। एक ही लाइन में मैं कह रहा हूँ कि तुम्हारी तो पोल खुल गई, तुमने तो इन्हीं के नाम पे वोट मांगे, इन्हीं के लिए काम ने वन रैंक पैन, और ये कह रहे हैं ये अपनी जान दे रहे हैं इसके लिए, वो मतलब एक्सपोज हो गया ना। क्या बीजेपी को ये था कि दूसरी विपक्ष के लोग पूरा का पूरा ये मुद्दा हाईजैक कर लेंगे और ये सियासी मुद्दा ना बन जाए, लेकिन उसको कंट्रोल करने के बजाय क्या ये चीजें बैकफायर हुई? क्या आज का जो संग्राम हुआ दिल्ली की सड़कों पर वो बैकफायर हुआ? बिल्कुल सर, इसके सरकार के लिए मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूं। अनु एक छोटा सा कमेंट जल्दी से, मुझे ब्रेक पे जाना है। देखिए वन पेंशन वन रैंक जो भी है, वन जो आज संग्राम हुआ दिल्ली में उस पर, हां उसी पे, इस पे हम ऑलरेडी 80% हम सक्सेसफुल हो चुके हैं, 20% रह चुका है। इसमें हमने 1,000 करोड़ की बात करी थी जो कि 5,500 करोड़ ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। अनु मेरा सवाल तो डर क्यों आएगा? मेरा सवाल ये है कि ऐसी कौन सी आफत आ गई थी कि सबको उठा के जेल में हिरासत में लेने की आफत आन पड़ी? कौन सा डर सताने लगा था? डर तो है ही नहीं ना, अगर कामयाब है हम अपने इस योजना में। लेकिन दिख तो ये रहा है सबको, तो आपने अंदर डाल दिया आज, तो जो 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 दिल्ली की सड़क के ऊपर आया आपने उसको हिरासत में ले लिया। डर की वजह से नहीं डाला, वो पब्लिक को मिसगाइड कर रहे हैं। वही बातें कर रहे हो आप, सोसाइड रोहित, एक मिनट अनु चौधरी मैं हाँ मैं आपको वक्त दे रही हूँ, एक सेकंड। आपने पहले कहा दंगा भड़का रहे थे, अब आपने कहा लोगों को मिसगाइड कर रहे थे। चूज योर वर्ड्स लोगों को मिसगाइड कर रहे थे, वो दंगा भड़का रहे थे, लोगों को मिसगाइड कर रहे थे, सोसाइट को हाईलाइट कर रहे हैं। अभी कार्यवाही चालू है, सुसाइड को हाईलाइट कर रहे हैं कि वो सिर्फ यही एकमात्र कारण है। हो सकता है इसके साथ और भी कारण जुड़े हों। वो किस मेंटल स्टेटस से गुजर रहा था उस वक्त, क्या उसकी विचारधारा चल रही थी, उसे वो किस इसलिए डाला, वो इस चीज को अपना ज्ञापन लेके मिलने जा रहा था, लेकिन उसने खुद फोन पे बोला है। मुझे इस बात का जवाब दो सबको अंदर डाला गया, ये जो इतना माहौल ऐसा क्रिएट हुआ पैनिक वाला, आप कभी कहती हैं दंगा भड़का रहे थे, एक मिनट, कभी आप कहती हैं लोगों को मिसगाइड कर रहे थे, अब आप कहती हैं सुसाइड को हाईलाइट कर रहे थे। तीनों ही बातें हैं ना। डू यू वांट टू डाउनप्ले द सुसाइड? नहीं, वन मोमेंट, बीजेपी वांट्स टू डाउनप्ले द सुसाइड? वन मोमेंट, आप ऑडियो सुनिए, आप ऑडियो सुनिए, मुझे ये बताइए, सुसाइड ऑडियो में उसके बेटे ने कहा है कि आप हार गए हो, वो मेंटली उनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं था, उनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं था। डू यू रियलाइज दैट लेकिन सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर इस पूरे संग्राम के लिए, उस मौत के लिए जिम्मेदार कौन है? कभी ये कहा जा रहा है कि वो प्रवोक कर रहे थे, लोगों को गुमराह कर रहे थे, कभी अलग अलग तरह की स्टेटमेंट्स आ रही हैं, लेकिन सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं कि दिल्ली की सड़कों पर आज जो संग्राम देखने को मिला, मौत पर ये जो सियासत देखने को मिली, और उस मौत का जिम्मेदार कौन है? ये सवाल बहुत अहम है, जिनके जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। देश के हर 10 जवान में से सेना में एक जवान हरियाणा का होता है। मोदी जी बात तो बड़ी बड़ी करते हैं, मगर मची आंसू बहाते हैं देश के सैनिकों के लिए। धन्यवाद।
माता दादी का लक्ष्य हेल्दी लाइफ, मम्मी डैडी का लक्ष्य हैप्पी लाइफ, तन्नू मन्नू का लक्ष्य जीनियस लाइफ, लक्ष्य दे ब्रेन एंड बॉडी फिट टू फाइट, लक्ष्य प्योर घी फॉर होल लाइफ, लक्ष्य 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 प्योर घी। श्रेष्ठता और शुद्धता आपका हक, हमारा लक्ष्य लक्ष्य प्योर घी। भाई दिलीप, मैं बैंक में बुढ़ापा पेंशन लेने जा सू, तू चाल लेगा के? हाँ हाँ चाल लूंगा। तो चाल फिर भाई। यार भोले, जब तक बुढ़ापा पेंशन बैंक में आने लगी से आनंद होगी। ठीक है सर भाई, पहले सरपंच के चक्कर काटने पड़ते, सीधे 1400 रुपए बैंक में आज से जब जाओ निकलवा लो। सरकार ने 2 साल में 400 रुपए बता दिए, 200 और बढ़ेंगे। सामाजिक सुरक्षा पेंशन सही हकदार को समय पर मिले और उसके साथ कोई हेरा फेरी ना हो, इसीलिए हरियाणा सरकार ने थारी पेंशन थारे पास योजना शुरू की है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन अब सीधे लाभार्थी के खाते में जमा होती है। वर्तमान में प्रदेश में 23 लाख से ज्यादा लोगों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन बैंक खाते से दी जा रही है। अब थारी पेंशन थारे पास, थारी पेंशन हमारे पास। ये पेंशन मिलने में किसी ने कोई दिक्कत नहीं। बदलता हरियाणा, बढ़ता हरियाणा। आपके सपनों का घर अब बना हकीकत। रेवाड़ी की सबसे सुंदर टाउनशिप गुरुटेक सिटी रेवाड़ी, NH 8 से 2 किलोमीटर से भी कम की दूरी पर। यहाँ है फ्री होल्ड प्लॉट्स और फ्लैट्स के इंडिपेंडेंट फ्लोर्स। आपके बच्चों के लिए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, लश ग्रीन पार्क के साथ साथ आपकी फैमिली के लिए 24/7 सिक्योरिटी। हमारा पता है गुरुटेक सिटी, सेक्टर 25-26, गरही बोलनी रोड, रेवाड़ी। Taking me through, I say the same old thing with you by my side. ये क्या हो रहा है? अगर कपड़े मैंने ही गंदे किए तो मैं ही धोऊंगा ना, मेरी वजह से आपके सोफा क्यों खराब हो? Well, Mr. खुददार, कपड़े तो साफ हो गए और आपकी सॉफ्ट सॉफ्ट हाथ अभी भी सॉफ्ट है। मैं भी ना यूं ही टेंशन लेता हूँ, लो इसे भी आप साफ कर दो। कपड़े कलर्ड हो या व्हाइट, स्टेन्स की छुट्टी पक्की, कपड़े और हाथ वुश करे खुश। स्मूथ ड्राइविंग के लिए पेश है एडवांस तकनीक से निर्मित एराबॉल लुब्रिकेंट्स। इंजन में ताकत लाए, माइलेज बढ़ाए, एराबॉल लुब्रिकेंट्स इंजन में भर दे दम। अब आपके शहर बहादुरगढ़ में JD सेलिब्रेशन बैंकवेट विथ लॉन, यहाँ आप कर सकते हैं कॉर्पोरेट फंक्शन से लेकर किटी पार्टी और शादी ब्याह तक सभी तरह के प्रोग्राम के लिए बेहतरीन लॉन और हॉल, साथ ही रूम फैसिलिटीज भी अवेलेबल है एकदम शुद्ध वातावरण के साथ, फुली एसी और सभी के लिए पार्किंग लॉट, और वो भी बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइस में। हमारा पता है दिल्ली रोहतक बाईपास के नजदीक झज्जर रोड बहादुरगढ़। ICS कोचिंग सेंटर। बेरोजगारी से डरते क्यों हो? मैं हूँ ना। ICS कोचिंग सेंटर पिछले 8 सालों से सरकारी नौकरी पाने में एक भरोसेमंद नाम। अगर आप सरकारी नौकरी चाहते हैं तो आप 2 दिन की ट्रायल क्लास ले लीजिए, आपको बेरोजगारी से मुक्ति का रास्ता मिल जाएगा। कैसे पाएं सरकारी नौकरी? हर रोज दोपहर 2:30 बजे। हरियाणा के लोगों सुन लो, हरियाणा के, हरियाणा के लोगों सुन लो, देते थोड़ा ध्यान भाइयों, भाज रहा से अड़ित भ्रष्टाचार का शैतान भाइयों, आर पार लो देख अड़े कोई ना गपले बाजी, सूचना टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पे सब राजी, ये प्रशासन ने तो देखो जीवन कर आसान भाइयों, कितनी ई सेवाएं खुल गई, खुल गया CM विंडो, CM वेव पोर्टल भी अब से पास तुम्हारे, हर एक समस्या का होता है झटपट समाधान भाइयों, आओ मिलकर दे इसमें हम अपना योगदान, हरियाणा के लोगों सुन लो देखें थोड़ा ध्यान, बदलता हरियाणा बढ़ता हरियाणा। आपके सपनों का घर अब बना हकीकत।
रेवाड़ी की सबसे सुंदर टाउनशिप गुरुटेक सिटी रेवाड़ी NH 8 से 2 किलोमीटर से भी कम की दूरी पर। यहाँ है फ्री होल्ड प्लॉट्स और फ्लैट्स के इंडिपेंडेंट फ्लोर्स। आपके बच्चों के लिए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, लश ग्रीन पार्क के साथ साथ आपकी फैमिली के लिए 24/7 सिक्योरिटी। हमारा पता है गुरुटेक सिटी, सेक्टर 25-26, गरही बोलनी रोड, रेवाड़ी। गरम पकौड़े रह गए छोड़े, कोई काम नहीं जो लगन से करे वो पूरा। बड़े बड़े सपने हो पूरे, कोई न रहे अधूरा। जो भी कर दी जान से कर, खुशी अभी होगी बारिश। जीवन के सफर में जी जान लगा देने वालों का फोन जीवी। दादा दादी का लक्ष्य हेल्दी लाइफ, मम्मी डैडी का लक्ष्य हैप्पी लाइफ, तन्नु मन्नु का लक्ष्य जीनियस लाइफ। लक्ष्य दे ब्रेन एंड बॉडी फिट टू फाइट, लक्ष्य प्योर घी फॉर होल लाइफ। लक्ष्य 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 प्योर घी। श्रेष्ठता और शुद्धता आपका हक, हमारा लक्ष्य, लक्ष्य प्योर घी। स्मूथ ड्राइविंग के लिए पेश है एडवांस तकनीक से निर्मित एराबॉल लुब्रिकेंट्स। इंजन में ताकत लाए, माइलेज बढ़ाए, एराबॉल लुब्रिकेंट्स इंजन में भर दे दम। लेकिन इस देश के हर 10 जवान में से सेना में एक जवान हरियाणा का होता है। मोदी जी बात तो बड़ी बड़ी करते हैं, मगर मची आंसू बहाते हैं देश के सैनिकों के लिए। एक जवान की मौत और उस पर सियासत और दिल्ली की सड़कों पर संग्राम जिस तरह से देखने को मिला, यकीनन हमें सोचने के लिए मजबूर करता है कि आखिर सियासत कहां तक जा सकती है और कहां तक पहुंच गई है। अनंत राम जी, मेरा सवाल वही है और बड़ा भी है, जिसका जवाब अभी तक नहीं मिला। आखिर इस सब की जरूरत क्या थी? आखिर उस मौत का जिम्मेदार कौन है? क्या वक्त रहते कुछ नहीं हो सकता था? और आज जो लोग इस मौत पर सियासत चमकाने में लगे हैं और जो संग्राम हमें दिल्ली की सड़कों पर देखने को मिला, आखिर ऐसी क्या मजबूरियां आ गई थी कि सियासत इस हद तक चली गई? देखिए, दोनों बातों का मैं, आपने दोनों पक्ष रखे हैं कि आखिर सियासत हो रही तो वो इतनी क्यों हो रही है एक मुद्दे पर, और ये इतनी नौबत क्यों आई। नौबत तो इसलिए आई, देखिए कोई भी एक्स सर्विसमैन का कोई वो रखती नो, चाहे आर्मी हो, नेवी हो, एयरफोर्स हो, वो इस जो घोषणा इन्हों की, इससे कोई पर्सन नहीं है। उसमें इतनी विसंगतियाँ हैं, इतनी उसमें डिस्क्रिपेंसीज हैं, उनसे कोई खुश नहीं, एक बात। और उसी के लिए वो बैठा था इतने दिनों से, इसलिए बैठा था जो आज मुद्दा चल रहा। और उस पर मैंने कहा सरकार ने आउट ऑफ पैनिक ओवर एक्ट किया। अब इतने बड़े नेताओं को आप कर रहे हो आउट ऑफ पैनिक, मैं कह रहा हूँ इनको ऐसा डर क्या सता रहा है, पता नहीं क्या हो जाएगा, एक आंदोलन खड़ा हो जाएगा। अगर लाइटली लेते वो आते, भाषण देते, चले जाते, रोज की बात है। और ये दिल्ली में सारे नेताओं को एक जगह इकट्ठा करने का उनको ये मौका दे दिया, अरेस्ट कर रहे हैं, थाने बदल रहे हैं। सारे दिन लोगों ने देखा कि भाई वाकई में तो इमरजेंसी वाली बात हो गई। सच्चाई है ये, चाहे इमरजेंसी नहीं है लेकिन इमरजेंसी बात लोगों ने महसूस की, जनमानस ने, मैं कह रहा हूँ जनमानस ने, एक छोटी बात नहीं, आम आदमी जो व्यू कर रहा है, व्यूवर्स हैं, उसने भी ये देखा ये क्या हो रहा है, फलां भी अंदर, अमूक भी अंदर, उनके थाने बदले जा रहे हैं। मुद्दा क्या था? एक सैनिक ने वो विश्वास किया उसके परिवार को साथ, और उसके बाद जो बयान आ रहे हैं अभी अभी और हमारे साथ बैठी बीजेपी की प्रवक्ता भी कह रही हैं कि या तो वो डिप्रेशन में था या फिर उसके सुसाइड को हाईलाइट किया जा रहा था, नहीं, नहीं, या दंगा भड़काने की कोशिश हो रही थी, या लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बातें सुनकर तो शायद मतलब इतना कंफ्यूजन वाला स्टेट हो जाता है कि हम क्या कर रहे हैं। आत्महत्याओं के बारे में आपसे ज्यादा मतलब टीवी की डिबेटों में कोई नहीं जानता, जब किसानों ने आत्महत्या, तो इन्होंने कहा था कायर हैं, तो हरियाणा में कभी कभी किसान आत्महत्या कर रहे हैं और कभी कभी जवान। नहीं नवजोत जी, आप कहते हो आखिर आत्महत्या इंसान क्यों करता है? चाहे वो किसान है, मजबूर है, उम्मीद टूट चुकी होती, चारों तरफ से उम्मीद टूटी होती। आपको ध्यान होगा जब भारतीय जनता पार्टी लट्टू बांटे थे, हमने एक रैंक एक पेंशन कर दिया, अगले ही दिन भूतपूर्व सैनिकों ने कहा बिल्कुल गलत कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है, हमें नहीं मिली, ये जिस तरह हम चाहते थे उस तरह हमें नहीं दे रहे। आज झूठ बोल रहे, आज के एक बात रह जाएगी, वो वहीं जाकर बैठ के, नहीं नहीं आज की चर्चा में एक बात रह जाएगी। देखिए कोई एक दिन के लिए नहीं बैठा था बेचारा, इतने दिनों से बैठा था, इतने दिनों से बैठा था, क्यों नहीं सरकार ने नोट लिया? तो ये एक मिनट, आंदोलन जो इतने दिनों से बैठा था,
विपक्ष भी तो यही था, तब विपक्ष को याद नहीं है? नहीं, वो घटना ये घट गई ना, है ना? और बीजेपी घट गई, घटना घट गई तो ना। अभी 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 किसी का बात नहीं, एक मिनट मिस्टर चौधरी, एक मिनट अगर बात वो नहीं, जब वो लोग वहाँ धरने पर बैठे बैठे चलिए, जब खत्म हो गया तो हम सियासी फायदा लेने के लिए सब कुछ कर। मैं एक बात कहूंगा, अगर सुनिए, इनको मौका नहीं मिलता अगर वो उसकी मांगे पूरी कर देते तो जंतर मंतर हम जाते रहे, समर्थन देते रहे इनको, ऐसी बात नहीं है। विपक्ष ने हमेशा समर्थन किया इस बात का, नरेंद्र मोदी जी ने हाँ भरी है तो इन्होंने देना चाहिए, और झूठ बोल के दूसरे तरीके से देने की कोशिश की उन्होंने, तो भूतपूर्व सैनिकों ने बिल्कुल मंजूर नहीं किया। आधा अधूरा था, दोबारा वो जंतर मंतर पे बैठे। देखिए दिया है जो वो मांग रहे हैं, कुछ मांगने वाजिब नहीं है, जो स्वेच्छा से सेवानिवृत्त होते हैं, जो स्वेच्छा से सेवानिवृत्त होते हैं जो खुद आर्मी छोड़कर आ रहे हैं उन्हें थोड़े हम लोग ये मालूम होना चाहिए। आप आर्मी बैकग्राउंड से आते हैं, देयर इज नो, पहली बात, देयर इज नो वॉलंटरी रिटायरमेंट सिस्टम इन आर्मी, इट कुड बी it's not systematically, it's like a voluntary, it's like we don't want to continue this service, we want to get into business, have some medical problem. Give me I'm talking about the personal reason, not the rule and regulation. I will clarify, fauj ka ex-serviceman tab ex-serviceman banta hai jab wo afsar kam se kam 20 saal ki naukri puri kar leta hai aur uski pen ek na मैं बीच में नहीं बोला पेंशन क्लैरिफाई करना बड़ा जरूरी है, बहुत बड़ा मुद्दा उठाया, नहीं बड़ा मुद्दा, क्योंकि 20 साल की सर्विस अगर पूरी वो करता है और वो पेंशन का हकदार है तो वो एक्स सर्विसमैन कहलाता है। और ओआरओपी भी सिर्फ एक मिनट उससे पहले की बात हम कभी नहीं करते थे, हमने कभी आज तक नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं कर रहे हैं 20 साल से ज्यादा, 20 साल से ऊपर सर्विस करने वाले जितने भी लोग हैं वो पेंशनधारी हैं, और पेंशनधारियों को वन रैंक वन पेंशन लागू है। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पर एक और चीज जो आती है, जो विसंगतियां जहां पे कही जाती हैं, रेड्डी कमीशन की रिपोर्ट आ चुकी है, रेड्डी कमीशन ने सारी जगह पूरे देश में घूमकर रिपोर्ट ले चुके हैं। अब जहां तक बात है वन रैंक वन पेंशन, आज की स्थिति के अंदर ये सिर्फ एक पेंशन एनहेंसमेंट है जो कि पिछले पेंशनधारियों को 2013 के बुरा के मुकाबले में लाके खड़ा किया, लेकिन इसके बाद फिर वही हालत हो जाएगा जो पहले रहा है। तो ये वन रैंक वन पेंशन नहीं, वन रैंक पांच पेंशन होगी, क्योंकि इक्वलाइजेशन हर 5 साल बाद होगा, तो 5 पेंशन होगी। एक करोड़ से हम 10 से 12 अच्छे लगते, परंतु कांग्रेस के प्रवक्ता होते हैं जो शब्द ये बोल रहे हैं, कांग्रेस ने सबसे ज्यादा राज इस देश में किया है। अब भूतपूर्व की सैनिकों की आज की डिमांड नहीं थी, नरेंद्र मोदी जी के टाइम में ऐसा है, इसके अंदर पेंशन एनहांसमेंट की नहीं है। देखिए पेंशन एनहांसमेंट सुनिए, देखिए अभी इसकी तो हालत है, चोर मचाए चोर। देखिए ऐसा है कि पेंशन एनहांसमेंट लगातार होती रही है, देखिए ऐसा है मैं इस चीज के लिए कहने के लिए पूरा रिकॉर्ड के ऊपर कह सकता हूँ, रिकॉर्ड के ऊपर कहता हूँ कि जो चीजें गलतियां हुई हैं वो हुई हैं। आज मैं रिकॉर्ड पे भी ये चीज कहना चाहूंगा, लेकिन इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए माफी चाहूंगी, मेरे पास वक्त की कमी है, वक्त की कमी दलवीर जी एक लाइन में बताइए, एक मिनट रोहित प्लीज, मेरे पास वक्त की कमी है। दलवीर जी आज इस मौत का जिम्मेदार कौन है नंबर वन, और आज जो कुछ हुआ उसके बारे में क्या कहना, एक लाइन में प्लीज। मौत के जिम्मेवार सीधे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी हैं, उन्होंने एक उम्मीद बनाई थी, उम्मीद उनकी टूटी है, इसलिए उन्होंने आत्महत्या की है। दूसरी बात, लॉ एंड ऑर्डर की जहां बातें करे हो, ये लोग अनुभवहीन लोग हैं, ये इस तरह का पहली बार नहीं हुआ। हरियाणा में आपको पता होगा किसानों ने आत्महत्याएं करी थी, जवान क्या थी, युवाओं की हत्याएं हुई है इस प्रदेश में, बचना चाहिए। आज के सैनिकपुर सैनिक की जो मौत हुई है उसका पूरी तरह से जिम्मेदार मैं प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री को पूरी तरह से ठहराता हूं, उनको आज अपनी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, क्योंकि पूर्व सैनिक जो है उनके वन रैंक वन पेंशन का जो वायदा किया था उससे पूरी तरह से उसे खुश नहीं है, उससे नाराज हैं। और इस रोष का ये एक अंधे बहरों को कान खोलने के लिए और आंखें खोलने के लिए ये हमारे पूर्व सैनिक रामकिशन ग्रेवाल ने अपनी आहुति, जान की आहुति दी है। और यहाँ पर एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, फौजी आदमी सैनिक अपने सैनिक सुसाइड को क्रिमिनल ऑफेंस मानते हैं, लेकिन
अगर उसके बावजूद अगर एक सैनिक को इतना मजबूर किया जाता है, पूर्व सैनिक को, कि वो अपनी जान की आहुति देता है, तो ये मैं उसकी तुलना भगत सिंह और एक शहीद से करना चाहूंगा। अनु, मुझे मुझे फटाफट आप ये बता दीजिए, आपके पास 40 सेकंड है, इस सब के लिए जिम्मेदार कौन है? मैं स्मॉल पॉइंट, मैं टू पॉइंट, जल्दी से मेरे भाई रोहित जी ने कहा कि शव आ रहे हैं। कारगिल से पहले शवों को बरी कर दिया जाता था। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी शवों को बरी नहीं करने दे रहे, वो उनको मान सम्मान दे रहे। प्लीज डोंट गो देयर। आज मुद्दे पर बात करो, प्लीज रोहित छोड़ दो, प्लीज अब आज के मुद्दे, प्लीज मुद्दे पर बात करो। जो इतने दिनों तक ये जो बैठे हैं धरने पे या जो भी हो रहा है, तो उनको उनको जो है मेंटली इतना ज्यादा डिप्रेस्ड उनको जो है अपने शब्दों से कर दिया गया है इन विपक्षियों ने कि वो डिप्रेशन में आ गया है। आप मत होने देते डिप्रेशन, अब मत होने देंगे। आपको 7 दिन से हम लड़ाई लड़ रहे हैं, आपको पता है आप क्या बोल रहे हैं? आपको पता है आप क्या बोल रहे हैं? जब तक रहेगी तब तक लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। हम डरते नहीं होंगे। आप चलिए अनंत राम जी कंक्लूड करा कर सरकार की भी कोई आप पोल्यूट करते हैं, ओके आप पोल्यूट करते हैं, आप पोल्यूट कर रहे हैं, आप उनको मेंटली पोल्यूट कर देते हैं। न्याय नहीं किया जहाँ तक वन रैंक वन पेंशन पिछली सरकारों ने भी किया, लेकिन आज की घटना के लिए पूर्ण दया वर्तमान सरकार और विशेष तौर पर हमारा ये रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री इसके लिए जिम्मेवार हैं। आज की जो घटना तो अभी हो ही रहा है, अभी तो स्टिल इट इज कंटिन्यूइंग। तो आज जैसे अघोषित इमरजेंसी जैसी जो स्थिति आ गई, इसके लिए पुलिस का जो दुरुपयोग हुआ, मैं एक शब्द और इस्तेमाल कर रहा हूँ, पुलिस का जो दुरुपयोग हुआ, इस बात के लिए पुलिस नहीं होती है कि आप उनको पकड़ पकड़ के ले जाएं। वो एक संवेदना प्रकट करने आए थे, तो आप उनको अंदर डालेंगे? बिल्कुल सोचने की जरूरत है। और आप ये कहकर भी अपनी जिम्मेदारियों से बच नहीं सकते कि वो सैनिक डिप्रेशन में था। अगर वो डिप्रेशन में था तो उसकी वजह क्या थी? और अगर आप इसके लिए भी विपक्ष को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं तो हैरानी होती है। तो आप सत्ता में बैठे हैं, आप विपक्ष को उन्हें डिप्रेशन में जाने से रोक सकते थे, आप बैठ के कुछ कर सकते थे। यकीनन जिम्मेदारी लेनी होगी, जिम्मेदारी तय करनी होगी, सिर्फ मौत पर सियासत कुछ हासिल नहीं होगा। लेते हैं आपसे इजाजत, नमस्कार। लेकिन इस देश के हर 10 जवान में से सेना में एक जवान हरियाणा का होता है। मोदी जी बात तो बड़ी बड़ी करते हैं, नगर मची आंसू बहाते हैं देश के सैनिकों के लिए। मुद्दा के सह प्रायोजक हैं जीवन के सफर में जी जान लगा देने वालों का फोन जीवी। धान के सफल खेती के लिए बायर नेटिवो, हमारा लक्ष्य लक्ष्य प्योर घी। एराबॉल लुब्रिकेंट, इंजन में भर दे दम।